नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब कभी हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो एग्जैक्ट उसी वक्त हम पर लाइफ में बड़ी बड़ी अजीबोगरीब रुकावटें प्रॉब्लम्स आने लगती और ऐसी रुकावटें आने लगती हैं जो हमारी लाइफ में उससे पहले कभी नहीं आई थी। इस वजह से कई बार हम परेशान हो जाते और सोचने लगते हैं कि ये क्या होने लगा। मैं तो यूनिवर्स से लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहा हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह हमारी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे मैनिफेस्ट होने लगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के दौरान हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स की बाढ़ कहाँ से आ जाती और क्यों आती। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े एक ऐसे पार्ट के बारे में जिस सीक्रेट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इस वजह से वे लोग जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगर आपने भी इस टेक्निक को अपना लिया तो आप भी लाइफ में जो कुछ भी चाहेंगे वो बड़ी ही आसानी से मैनिफेस्ट कर पाए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी टॉपिक पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर लिखते हैं या उसे बोलते हैं, तब लिखते या बोलते समय इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इस बात का हमें ख्याल भी नहीं रहता। मतलब उस वक्त हमारा माइंड और इंटेलेक्ट बाहरी दुनिया से पूरी तरह से डिटैच हो जाता और एक ही दिशा में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जब हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर लिखते हैं या बोलते हैं, तब हमारे द्वारा लिखे गए हर एक वर्ड के साथ माइंड से एक एनर्जी निकलती, जो एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में यूनिवर्स में जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में मन चाहे चीज लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए हम लिखने की टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमें बस इतना करना है कि जो चीज़ें हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमें उसके बारे में एक पन्ने में रोज़ाना बार बार लिखना शुरू कर देना। क्योंकि दोस्तों, जब हम बार बार उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो लिखने के दौरान हम जो भी मैनिफेस्ट होता देखते हैं, हमारे माइंड से यूनिवर्स को ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन रिलीज होने लगते हैं और यूनिवर्स उन चीज़ों को हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत तो बस यही है कि जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं, हम उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जिस चीज को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब हम रोज बार बार उसके बारे में लिखने लगते हैं, तो लिखने के साथ साथ उस चीज के बारे में हम ऑटोमेटिकली बार बार सोचने भी लगते हैं। इससे हमारे माइंड से उस चीज के लिए एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में रिलीज होने लगती है और ये वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाने लगती है। बदले में यूनिवर्स हमारी उस तमन्ना को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। मतलब पावरफुल थॉट्स के वाइब्रेशन से वो चीज अपने आप की हमारी ओर आकर्षित होने लगती। तो दोस्तों, आप जो कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो रोजाना कॉन्सेंट्रेट होकर एकांत में साइलेंस में बैठकर उसके बारे में यूनिवर्स से पूरी फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ लिखकर कम्युनिकेट करें। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जैसे जैसे आप अपने अरमानों को पन्ने में लिखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बुद्धि से उसका इमेजिनेशन यानी कि मनोचित्रण करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने अरमानों के साथ फीलिंग्स इमोशंस एंड इमेजिनेशन ऐड करते हैं, उसे रोजाना बार बार लिखने लग जाते हैं, तब हम यूनिवर्स को क्लियर कट वो कम्युनिकेट कर पाते जो हम लाइफ में मैनिफेस्ट होते देखना चाहते हैं, और तब यूनिवर्स वो चीज हमें रिटर्न में दे पाता। दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंस है, और ये साइंस ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स इमोशंस एंड इमेजिनेशन की लैंग्वेज को समझता है। और जब हम अपने अरमान पन्ने पर लिख रहे होते हैं और साथ ही साथ स्ट्रांगली फील कर रहे होते हैं,
तब स्ट्रांगली फील करने से हमारे माइंड में उस चीज के प्रति एक स्ट्रांग इमोशन भी निकलता है, और साथ ही साथ जब हम लिखने के दौरान उन बातों का अपने इंटेलेक्ट में इमेजिनेशन भी करने लग जाते हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज के लिए पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाने लगते हैं, और हम जो एनर्जी यूनिवर्स को भेजते हैं उसके बदले में यूनिवर्स हमारी लाइफ में उस चीज को मैनिफेस्ट कर देता है। दोस्तों, यूनिवर्स कभी भी किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं करता, उसकी नजर में तो सभी इक्वल है। यूनिवर्स तो बना ही हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। दोस्तों, अगर फिर भी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही तो हमें समझ जाना चाहिए कि जरूर हमसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही, जिससे कि हमारी बात यूनिवर्स को एक्यूरेटली कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। दोस्तों, हमारे थॉट्स की जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसमें भी एक साइंस छुपा है। हम जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, पर उसमें भी कुछ कंडीशन है। तो यही कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात कि हम जो अफर्मेशंस रोजाना लिखते हैं उन अफर्मेशंस का हर एक थॉट पावरफुल होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमारी अफर्मेशंस के हर एक थॉट में प्योरिटी होनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमारी अफर्मेशंस में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट मिक्स नहीं होना चाहिए, और चौथी बात कि हमारी अफर्मेशंस में ईच वर्ड्स में कॉन्फिडेंट झलकना चाहिए कि मैं किसी भी चीज को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, और मैनिफेस्ट होना ही है। अगर हमें ही अपने थॉट पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्स केवल उन्हीं चीजों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है जिन चीजों को लेकर हम फुल कॉन्फिडेंट होते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है, और जाहिर सी बात है कि जो यूनिवर्स हमारी पॉजिटिव डिजायर्स की वाइब्रेशन को कैच कर रहा है वो हमारे डाउटफुल थॉट्स के वाइब्रेशन भी कैच कर सकता है। इसलिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के दौरान हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे लेकर हमारे मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट, निश्चिंत और आश्वस्त होकर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये काम हुआ ही पड़ा है या काम होना ही है। दोस्तों, जब इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग आने लगेगी तो यूनिवर्स भी उन चीजों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, एक और विशेष बात कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमें यूनिवर्स से अफर्मेशंस के थ्रू कुछ भी मांगना नहीं, हमें बस हमारी ख्वाहिशें यूनिवर्स से कम्युनिकेट करनी है। कम्युनिकेट करने में और मांगने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्स हमारी लाइफ में कभी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करता जिन चीज़ों में मांगने की फीलिंग और इमोशंस होते हैं। मांगना एक ऐसी फीलिंग है जिसमें नेगेटिव इमोशन समाया हो, और हमें नेगेटिव नहीं बल्कि हमारे अफर्मेशंस में हर वर्ड पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि हमें ये चाहिए तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव हैं और ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हम किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी सरकमटेंस का एक अभाव यूनिवर्स को दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए दोस्तों, हम जो भी रोजाना लिखकर दोहराने के लिए जो अफर्मेशंस बना रहे हैं उसमें एक बात का विशेष ख्याल रखें कि उन अफर्मेशंस में मांगने का भाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि राइटिंग स्किल्स की हेल्प से हम कैसे अपनी हसरतों को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के दौरान लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं वो क्यों आते हैं और उससे बचने के उपाय क्या हैं। दोस्तों, जब हम लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स को लेटर के रूप में पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजते हैं तब हमें इस बात का
बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उससे पहले हम अपने माइंड की इमोशन ब्लॉकेज को क्लीन करें। दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक हमसे जाने अनजाने में जो मिस्टेक्स हुए हैं, हमारे माइंड में पास्ट के इन इंसिडेंट को लेकर कई तरह के नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस दबे पड़े हैं, जिन बातों को हम किसी से शेयर नहीं करते, जिसका हमें रेग्रेट होता है। ये बातें हमारे माइंड में इमोशनल ब्लॉकेज के फॉर्म में स्टोर रहती। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे माइंड के ये इमोशनल ब्लॉकेज उस रास्ते में बाधा बनते। इसलिए हमें सबसे पहले इन इमोशनल ब्लॉकेज को क्लीन करना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लीन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जिस तरह हमने जाना कि हम जिस भी चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहें उसे बार बार लिख कर लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह दोस्तों लिखने की टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने माइंड के इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लीन कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें यूनिवर्स की सुप्रीम पावर को साक्षी मानकर उन तमाम फीलिंग्स और इमोशंस को हमें एक पन्ने पर एक्सप्रेस करना है, जिससे कि माइंड के इमोशनल ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का ये सबसे बेहतर उपाय है, जिसकी मदद से आप अपने माइंड के नेगेटिव फीलिंग एंड इमोशंस या फिर किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में पास्ट में जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया और उसने हमें माफ ना किया, जिस बात को लेकर हम आज भी गिल्ट महसूस करते हैं, या फिर पास्ट में हमें किसी ने हर्ट किया हो और जिन्हें हमने माफ ना किया, ये सब बातें हमारे माइंड में इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही इन सब बातों की वजह से डीप कार्मिक अकाउंट भी बनता है, और ये कार्मिक अकाउंट की एनर्जी हमारी लाइफ में उस वक्त प्रॉब्लम के रूप में मैनिफेस्ट होने लग जाती है, जब हम लाइफ में कुछ मनचाहा अचीवमेंट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त पर ये कार्मिक अकाउंट की एनर्जी किसी व्यक्ति, वस्तु या नेगेटिव सिचुएशंस के रूप में हमारे सामने प्रॉब्लम बनकर मैनिफेस्ट होने लग जाती। इसीलिए दोस्तों, इन कार्मिक अकाउंट की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे सेटल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ राइटिंग लेटर टू यूनिवर्स। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके हम इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते। जिस किसी को भी हमने हर्ट किया, ब्रह्मांड की परम ऊर्जा को साक्षी मानकर उस व्यक्ति का चेहरा इमेजिन करके हमें उनसे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और इसी तरह अगर किसी ने पास्ट में हमें हर्ट किया तो उसे भी दिल से माफ़ करना चाहिए कि पास्ट में आपने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं आपको दिल से माफ़ करता हूँ। अब आपके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस नहीं। इस टेक्निक से दोनों के बीच में जो नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस का कार्मिक अकाउंट होता है, वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिर वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे इर्द गिर्द ग्रह या काल के रूप में घूम रही होती है, वो हमारा पीछा करना छोड़ देती, जिससे कि हमारी लाइफ में आ रहे प्रॉब्लम्स न्यूट्रलाइज रिजॉल्व होने लगते हैं। लेकिन जिस तरह लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी फीलिंग्स इमोशंस एंड इमेजिनेशन के साथ यूनिवर्स को मैसेज भेजा जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमें इस टेक्निक को भी पूरी फीलिंग्स इमोशंस एंड इमेजिनेशन के साथ इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किए बिना अगर हम लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करने लग जाते तो ब्रह्मांड में हमारे जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट की एनर्जी घूम रही वो एग्जैक्ट उसी वक्त पर किसी व्यक्ति, वस्तु या विपरीत परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आनी शुरू हो जाती। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से अचीव हो सके,
तो उसके लिए आपको इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की इस टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपनाना हो। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जब तक हम हमारे माइंड में जमी हुई गंदगी, नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस साफ क्लीनिंग नहीं करते हैं, तब तक हम अपने माइंड से पावरफुल थॉट्स के पॉजिटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को नहीं भेज सकते। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करे बिना अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने लग जाते, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी मनचाही चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशन भेजते हैं, अगर हमारी लाइफ के पास्ट के कुछ इंसिडेंट की वजह से हमारे माइंड में कोई नेगेटिव फीलिंग और इमोशंस के रूप में इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, तो हमारे द्वारा यूनिवर्स को भेजे गए पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशन में उन नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशन मिक्स होते, जिस वजह से मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस पर इफेक्ट होता है, जिस वजह से वे चीज़ें जो हम चाहते हैं उसकी जगह कुछ और मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारी लाइफ की पास्ट की किसी इंसिडेंट के कारण हमारे मन में जो कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस कैद हैं, तो हमें उन नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को रिलीज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिसकी सबसे अच्छी टेक्निक उस इंसिडेंट के बारे में मन में जो कुछ भी दबा है, यूनिवर्स की सुप्रीम एनर्जी को साक्षी मानकर उन तमाम बातों को खोलकर एक पन्ने पर एक्सप्रेस कर। दोस्तों, जब हम अपनी गलतियों को चेक करते हैं और जितनी स्ट्रांग फीलिंग के साथ उसे रियलाइज करते, स्वीकार करते हो कि हाँ, मुझसे पास्ट में इस इंसिडेंट में ये गलती हुई थी, और जब हमें इन सभी बातों का रिग्रेट होता है, तब हम अपने को अंदर से चेंज कर पाते हैं, और इस पॉजिटिव चेंज से हमारे माइंड से पॉजिटिव एनर्जी के साथ वाइब्रेशन निकल, जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में मदद कर। दोस्तों, आपको लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है उसको लेकर सबसे पहले आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर होंगे, स्पेसिफिक होंगे, तभी आप सही और सटीक तरीके से अपने अरमानों को यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और तब ही यूनिवर्स भी उन स्पेसिफिक चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएगा। दोस्तों, ये महज एक छोटी सी वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके गोल को अचीव करने में मैं आपकी सहायता करूँ, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे पेड कोर्सेज एंड पेड सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर ऑफ फुल टेक्निक पर बनाया गया ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। आपसे मिलूंगा दोबारा से किसी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में या किसी वेबिनार। तब तक अपना प्यार दिखाते रहे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला पीस।